हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी मेरी हेल्प करिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो थोड़ी सी मेहनत जो है वो आप भी कर लीजिए मेरे लिए प्लीज़। हर बंदा कम से कम 2 सब्सक्राइब ज़रूर मेरे इंक्रीज़ करवाइए, ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो अप कर सके। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। देखिए, ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो आपका डायरेक्ट जो है यूज़ हो जाता है। अगर आपको इन सारे फॉर्मूलेज के प्रूफ करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हालांकि जो प्रूफ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज आप प्रूफ स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 24 मिनट की वीडियो है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब बात कर लेते हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की। फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं। पहला है डिस्टेंस बिटवीन इनसेंटर एंड सर्कम सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। आपको डिस्टेंस बताना है इन सेंटर और सर्कम सेंटर में, तो दिस इज़ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस टू स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज़ होता है। आगे देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर को मैंने एच से डिनोट किया है, सेंट्रोइड को मैंने जी से डिनोट किया और सर्कम सेंटर को मैंने सी से डिनोट किया है। दे आर ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। ये कह रहे हैं सेम लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये। तो जी एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी सी, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर होता है। जो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। जी एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी सी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, विच इज़ इक्वल टू, यानी कि सी एच का स्क्वेयर। तो आपका सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है 9 आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ए बी सी दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंड आर आपको एक रेडियस दे दी जाएगी जो भी वो सर्कम सेंटर है, ठीक है, ये आपको मेंशन कर दी जाएगी। सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड द ऑर्थो सेंटर। उसके बाद देखिए, आपका एक जैसे ही आपका जी एच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी सी होता है, तो ऐसे ही आपका जो सी एच होता है, इट इज़ थ्राइक ऑफ जी सी, ठीक है, सी एच इज इक्वल टू थ्राइक ऑफ जी सी। तो ये आपका ये भी प्रॉपर्टी होती है। द नेक्स्ट वन इज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था, सी एच इज इक्वल टू थ्राइक ऑफ जी सी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपका थ्राइक कर दिया, ठीक है, तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, बिल्कुल इसका थर्ड कर दिया, ठीक है। सो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आ गई। ये जैसे यहाँ पे सी एच था, ठीक है, तो सी एच इज इक्वल टू थर्ड ऑफ जी सी। सो यू हैव टू फाइंड ओवर जी सी, ये सी कर लेना, ये सी जी का स्क्वेयर, ठीक है, ये जी सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका 1/3 ऑफ सी एच। तो इसका 1/3 जब आपने किया तो आपके पास ये आ गया, आर स्क्वेयर माइनस 1/9 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। उसके बाद आप देखिए आगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ओ जी, ठीक है, सेंट्रोइड यानी कि सी जी एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी जी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लास्ट फॉर्मूला है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर ट्वाइस ऑफ ओ जी कर दीजिएगा, ओ जी डेट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड, ठीक है, ये ओ जो है वो ये आपका सर्कम सेंटर है। मैंने सी से भी डिनोट कर सकते हैं आप इसको, तो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। आगे देखिए आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड इन सेंटर एंड सेंट्रोइड,
तो ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट छूट गया, ये जो आपको माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पे, 2a² b + c 2², ये जो आपको माइनस का साइन दिख रहा है, इसके बाद माइनस में आपका 9ab c, ये और कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट फॉर्मूला बना आपका अंडर रूट ऑफ माइनस a³ + b³ + c³ प्लस में 2a² b + c + 2b² ब्रैकेट में a + c + 2c² a + b माइनस के abc, ठीक है, 9abc अपॉन में 9 ब्रैकेट में a + b + c। एंड द लास्ट वन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, विच इज़ फॉर्मूला क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ 2r² - 4r² कोज ए कोज बी एंड कोज सी। इसमें आपको जस्ट एंगल भी साथ में दे दिए जाएंगे, ठीक है, ये आपको साइड मेंशन होगी ए बी सी, पर साथ में आपको ये एंगल भी तीन मेंशन कर दिए जाएंगे, ठीक है, ये ए ये बी और ये सी, ठीक है। तीनों एंगल आपको मेंशन करने के बाद आपको आर और कैपिटल आर की वैल्यू दे दी जाएगी। सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, डायरेक्ट आपके इसके एग्ज़ाम में आते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल।